जानेंगे पेटीएम शेयर को लेकर। विवेक जी, आपसे आपका पुराना स्टॉक जिस पर आप 450 रुपए के भाव पर बुलिश थे जब ये करेक्शन फेस कर रहा था पेटीएम, 562 रुपए के भाव है आज, शुरुआत ठीक ठाक ही है पेटीएम ने। पेटीएम क्या मौजूदा भाव से भी आपको ठीक लग रहा है? अभिषेक जी, पहले तो ऐसे डिस्क्लोजर अभी भी है मेरे पोर्टफोलियो में, तो मैं अब क्योंकि अब इस स्टॉक के बारे में बात कर लिया, अगले 5 दिन में इसको छू नहीं सकता। मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए। अब इसके कारण क्या है, जो कंपनी पूरा का पूरा फोकस चेंज कर रही है पेमेंट्स बिजनेस पे। अब देखिए, सबको ध्यान है कि आरबीआई के काफी रेस्ट्रिक्शंस आए थे कंपनी पे, और अब कंपनी फोकस कर रही है कि पूरा कोर बिजनेस पे ध्यान दे और जो नॉन कोर बिजनेस है जैसे एंटरटेनमेंट वगैरह ये बेच दे। तो इन्होंने एक अच्छा काम किया है और मुझे लगता है कि अब पूरा का पूरा फोकस कोर बिजनेस पे रहेगा। इसका फायदा क्या होगा कि आगे चल के हो सकता है कि आरबीआई थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दे एफडीआई नॉर्म्स पे, और जहां पे इस कंपनी को और एफडीआई इन्वेस्टमेंट मिल सके और जो आरबीआई के रेस्ट्रिक्शन है वो भी धीरे धीरे हट सके। तो ये पॉसिबिलिटी है आगे चल के। आपको पेप्टियन बैंक वापस नहीं आने वाला है, लेकिन और काफी बिजनेस करते हैं जो स्मॉल प्लेटफॉर्म्स है, तो वहां पे अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलता है कंपनी को तो ये एक से एक न्यू लीज ऑफ लाइफ होगा कंपनी के लिए। तो एब्सोल्यूट लॉन्गर टर्म के लिए यस, मुझे लगता है कि अभी भी अच्छा लग रहा है स्टॉक। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक लग रहा है पेटीएम का शेयर।